क्लियर दिखेगा, कहीं से आपको कलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखेगा, कहीं से ब्लैक पैच नहीं दिखेगा। व्यू कितना जबरदस्त मिलने वाला है, क्या बात भाई, एक नंबर भाई, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। आज की डेट में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, आप नेट का भी यूज करते हैं, तो इन दैट केस आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जिसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो, जिसमें रैम रोम अच्छी हो, जिससे कि आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छे से चले और आपको प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत। वीडियो का हाईलाइट देख के आपको आइडिया लगी गया होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला, कहां से रहने वाली, काफी जाना माना नाम रहने वाला है। तो आप लोगों को जो नए लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं। भैया सबसे पहले अपने फर्म के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर सबसे पहले स्वागत है आपका, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी शॉप की नई वीडियो में। बताना चाहूंगा हमारे पास आपको एलईडी टीवी की फुल रेंज मिल जाएगी। ओके, शॉप का नाम रहने वाला है मर्फी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, जो कि लोकेटेड है चांदनी चौक में लाल किले के बिल्कुल सामने। एड्रेस रहेगा 692 ओल्ड लाजपत राय मार्केट। ठीक है सर, बात करें बेसिकली अपने पास मार्केट से क्या स्पेशल मिल जाता है, क्या अलग मिल जाता है? देखिए सर हमारे पास आपको प्राइस बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी वजह से आपको प्राइस बिल्कुल फैक्ट्री रेट वाले मिलेंगे। ठीक है, और हमारे पास 17 इंच से लेके 86 इंच तक आपको सारे साइज अवेलेबल मिलेंगे। ओके, चाहे आपको एंड्रॉइड टीवी चाहिए हो, चाहे आपको गूगल टीवी चाहिए हो, चाहे आपको वेब ओएस टीवी चाहिए हो, हर तरह की वैरायटी अवेलेबल मिलेगी। एक साल की फुल वारंटी के साथ साथ हमारे पास आपको लाइफ टाइम की सर्विस वारंटी भी मिलती है। क्या बात है। और बताना चाहूंगा दर्शकों के दिमाग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है वो होता है सीओडी को लेकर, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, देखिए दिल्ली एनसीआर के लिए हमारे पास सीओडी की फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, बट अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर से हमें ऑर्डर देते हैं तो इन दैट केस आपको पेमेंट पहले करना होगा। ठीक है, प्री पेमेंट रहेगा और 3 से 4 दिन में आपका पीस आपके पास डिलीवर हो जाएगा। हो जाएगा, क्या बात। सर अगर साइजेस वगैरह की अगर हम बात करें, कौन कौन से साइज हमारे पास मिल जाते हैं? देखिए सर हमारे पास 17 इंच से लेके 86 इंच तक सारे साइज मिल जाते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले 24 इंच प्रॉपर एलईडी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो 4,500 रुपए का प्राइस रहेगा, अगर आप उसमें एंड्रॉइड लेते हैं तो प्राइस रहेगा 5,500। 5,500 जी सर। उसके बाद आते हैं सर 32 इंची पे। देखिए 32 इंची का वेरिएंट जो है हमारे पास 5,800 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जो कि नॉर्मल वेरिएंट रहता है। ओके, उसके बाद आपको हमारा मिल जाएगा 6,800, यानी कि 6,800 का 6,800 रुपए जी, जो कि एंड्रॉइड टीवी रहेगा। क्या बात है भाई, इंटरफेस भी आप देख सकते हैं, मोबाइल से भी चला सकते हैं, आप वाईफाई से भी चला सकते हैं, मोबाइल से कास्टिंग भी कर सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, तो सारी चीजें इसमें चलेंगी। हमारा इकोनॉमिकल रेंज का 32 इंची सेट है, इसमें आप 40 इंची लेना चाहते हैं 40 इंची मिल जाएगा आपको। ये देख सकते हो, ये देख सकते हैं, इसका प्राइस रहेगा 9,800 रुपए। ठीक है, और इसमें अगर आप 43 इंची लेना चाहते हैं तो 43 इंची भी आपको मिल जाएगा। ओके, उसका प्राइस रहेगा 11,000 रुपए जी सर। ये तीनों हमारी इकोनॉमिकल रेंज के टीवी है, तीनों साइज में, और इसमें अगर आप वॉइस असिस्टेंट ऐड कराना चाहते हैं तो मात्र 400 रुपए देके वॉइस असिस्टेंट का रिमोट आप ऐड करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रीमियम रेंज की। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रीमियम रेंज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप टीवी लेने चाहते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके टीवी में यूज का क्या करना है, क्योंकि देखिए अब समय बदल गया है। पहले आप आज से 10 साल पहले टीवी लेने आते थे तो आपको क्या था, खाली सेटअप बॉक्स चलाया जा रहा था, पेन ड्राइव लगा ली। ठीक है, बट आज की डेट में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, आप नेट का भी यूज करते हैं, तो इन दैट केस आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जिसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो, जिसमें रैम रोम अच्छी हो, जिससे कि आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छे से चले और आपको प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस केस में हम आपको अपना प्रीमियम रेंज का टीवी रेकमेंड करते हैं। ओके, जो कि प्रॉपर 1GB रैम और 8GB मेमोरी के साथ आता है, और जिसमें आपको हमारे पास हमारे तीनों साइज मिल जाएंगे, 32 इंची 40 इंची 43 इंची। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 43 इंचेस का प्रीमियम रेंज का टीवी है। इसमें आपको ब्लूटूथ मिलता है, सिंगल वॉइस में ही, सिंगल रिमोट में ही वॉइस सर्च का ऑप्शन मिलता है, सारी डेडिकेटेड कीज मिल जाती है। ब्लूटूथ के थ्रू अपने आप अपने नेक बैंड टावर्स होम थिएटर वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर 1GB रैम मिलती है, 8GB मेमोरी मिलती है, जिससे कि आपकी सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म स्मूथली चलती है, स्मूथली अपडेटेड हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 1-2 साल बाद आपकी एप्लीकेशन चलनी बंद हो गई, इस टीवी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपडेट होते रहेगी। जी सर, अपडेट हो रहेंगे, इसमें सिस्टम अपडेटर भी आपको दे रखा है। बाकी A to Z आपको एंड्रॉइड टीवी की सारी फैसिलिटीज के अंदर मिल जाती है। जेन्युइन IPS पैनल में टीवी रहने वाला है, कंप्लीटली फ्रेमलेस इंपोर्टेड बॉडी के साथ, देख सकते हैं बहुत ही स्लिम बॉडी इसमें हमने लगा रखा है। भाई क्या बात है, बॉडी की क्वालिटी से आपको आइडिया लग जाएगा भाई किस तरीके आपको टीवी यहाँ पे मिल रहा है। प्राइस की बात कर लेते हैं सर, इसमें आप 32 इंची लेते हैं सेम वेरिएंट तो मिलेगा आपको 8,200 रुपए का। ठीक है, इसमें अगर आप 40 इंची लेते हैं तो आपको मिलेगा 11,600 रुपए का, और इसमें अगर आप हमारा 43 इंच साइज लेते हैं तो आपको मिलेगा 13,500 प्लस। इसमें हमने एक चीज और ऐड कर दी है, इसमें अब आपको पॉइंटर वाला रिमोट मिलेगा। अच्छा, मतलब जो माउस वाला रहता है, माउस वाला, जैसे कि वेब ओएस में आपने देखा होगा बिल्कुल वैसा ही रिमोट आपको इसके साथ भी मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड टीवी में आज से पहले आपने नहीं देखा। बिल्कुल 32, 40, 43 तीनों ही वेरिएंट में आपको हमारे फैसिलिटी 32 में भी ये फैसिलिटी है। बिल्कुल सर, 32, 40, 43 तीनों में फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर हम अपनी 43 इंचेस की एंड्रॉइड की 4K वेरिएंट पे। ये देख सकते हैं हमारा 43 इंचेस का एंड्रॉइड का 4K वेरिएंट है। एंड्रॉइड वर्जन में 4K वेरिएंट का प्राइस रहने वाला सिर्फ 15,500 रुपए। फीचर सेम रहेंगे,
ये 4K हो जाएगा टीवी, यानी कि यूट्यूब पे आपको 2160 तक की रेजोल्यूशन ये आपको दिखाएगा दिखाएगा। तो इसका प्राइस रहेगा 15,500 रुपए। इसके बाद आते हैं सर हम गूगल टीवी पे। तो गूगल टीवी की बात करें तो सर हमारे पास आपको 32 इंची, 43 इंची, ऊपर बड़े साइज 75 इंचेस तो गूगल टीवी मिल जाएगा। देखिए गूगल टीवी भी होता है एंड्रॉइड ही है, पर एंड्रॉइड का अपडेटेड वर्जन होता है। डुअल बैंड कनेक्टिविटी के साथ आपको ये टीवी मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल बैंड कनेक्टिविटी के साथ आपको मिलता है, यानी कि 2.4 GHz और 5 GHz दोनों ही आपको नेट की कनेक्टिविटी मिलती है। 5G सेट होता है। गूगल प्ले स्टोर, गूगल गेम, सारी चीजें मिलती है। आप अपना आईडी डाल के, गूगल आईडी डाल के टीवी को अपने आईडी के साथ पेयर कर सकते हैं। 32 इंची, 43 इंची दोनों में आपको हमारे पास वेरिएंट मिल जाएगा। और ध्यान रख के गूगल टीवी में मार्केट में स्कैम बहुत हो रहा है। नॉर्मल एंड्रॉइड टीवी को ही, जो कि 5G नहीं होता, उसी को लोग गूगल टीवी बोल बोल के बेच रहे हैं। यानी कि जब भी आप गूगल टीवी लेने आए तो ध्यान रखे गूगल टीवी में डुअल बैंड चेक करके लें, यानी कि अपने दोनों कनेक्टिविटी नेट की आ रही हो। ये देखो जैसा भी आपको भैया ने खोल के दिखाना है यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन, तो इसी तरीके से चेक करके ही लेना। बिल्कुल चेक करके लें। गूगल टीवी में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो नॉर्मल एंड्रॉइड में नहीं चलती या अपडेट नहीं होती, पर गूगल टीवी में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें इजीली सारी एप्लीकेशन चलती भी है और अपडेट भी हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो प्राइस आपको बता देता हूँ सर, इसका प्राइस रहने वाला है 14,500 रुपए, जो कि हमारा 43 इंच का गूगल टीवी है। अगर 32 इंच सेम वेरिएंट लेते हैं तो प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए। जी सर। इसके बाद आते हैं सर हमारे टॉप वेरिएंट पे, जो कि रहने वाला है वेबओएस। वेबओएस जैसा कि आप जानते हैं एक ब्रांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन से ब्रांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 90% कस्टमर तो हमारे जानते ही है, बाकी जो नहीं जानते उनको हम दिखा देते हैं। इस ब्रांड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जी वेबओएस, ठीक है। और अगर हमारी ओपिनियन माने तो हम कहते हैं कि सबसे बढ़िया वेरिएंट जो है वो वेबओएस ही है हमारा। ओके। इसमें आपको A to Z सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये देख सकते हो भाई, ये देखिए इसका होम इंटरफेस रहने वाला है। सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं। ओके। किसी भी तरह की आपको कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइम टू टाइम इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जिस ब्रांड का आपको हमने दिखाया है ये ओएस, उसी ब्रांड की क्वालिटी, क्लैरिटी और फंक्शन आपको इस टीवी में मिलेंगे। उसी ब्रांड में जाके आप साइन इन भी कर सकते हैं, अच्छा, जिससे कि उस ब्रांड की बहुत सारी एप्लीकेशंस जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। ये देख सकते हैं भाई, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। डुअल बैंड कनेक्टिविटी मिलने वाली है, ALLM, MEMC सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपका जो है सॉफ्टवेयर आपको अपडेट आएगा, जिससे कि आपका टीवी आने वाले कई सालों तक उस टाइम के एप्लीकेशन के हिसाब से अपडेटेड रहेगा। बाकी इसका कंप्लीट डेमो भी हम आपको बड़े टीवी पे देने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें आपको मैजिक रिमोट भी मिलता है, हल्का सा शेक करेंगे आपका कर्सर स्क्रीन पे आ जाएगा, क्या बात है, कोई भी बटन दबाएंगे चला जाएगा। स्क्रोलिंग व्हील दे रखा है, उससे भी आप टीवी को चला सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट इसका डेमो आपको हम बड़े साइज पे देंगे। प्राइस आपको बता देते हैं, इसका 32 इंची लेते हैं तो प्राइस रहेगा 9,800 रुपए, ठीक है। और अगर ये 43 इंची वाला वेरिएंट लेते हैं तो इसमें दो वेरिएंट मिलेंगे आपको, एक 4K, एक फुल HD। अगर फुल HD वाला लेते हैं तो प्राइस रहेगा 16,000 रुपए, और अगर 4K रेजोल्यूशन वाला लेते हैं तो उसका प्राइस रहेगा 17,000 रुपए। बहुत बढ़िया। तो ये थी सर हमारी 43 इंचेस तक की रेंज। इसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब आपको हम बड़े साइज दिखाने वाले हैं। बड़े साइज में आपको हम 55 इंचेस में गूगल टीवी और 65 इंचेस में वेबओएस टीवी का कंप्लीट डेमो देंगे। तो भैया आपको बताने वाले हैं हम 65 इंचेस में हमने आपके लिए वेबओएस टीवी खोल रखा है और 55 इंचेस में हमने आपके लिए गूगल टीवी खोल रखा है। आपको डिटेल में डेमो देने वाले हैं हम दोनों का ही। सबसे पहले बात करते हैं वेबओएस टीवी की। सबसे पहले आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन, देख सकते हैं 4K जेन्युइन 4K रेजोल्यूशन में वीडियो चल रही है YouTube पर। क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। पिक्चर क्वालिटी भाई क्या नाइट व्यू होने वाला है आपको, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। एक एक पिक्सल आपको क्लियर दिखेगा, कहीं से आपको कलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखेगा, कहीं से ब्लैक पैच नहीं दिखेगा। व्यू कितना जबरदस्त मिलने वाला है, क्या बात भाई, एक नंबर भाई, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। ये थी पिक्चर क्वालिटी। बात कर लेते हैं फंक्शंस की, ठीक है। देखो भाई एक बार इसके होम स्क्रीन पे आते हैं फिर आपको इसके सारे फीचर वगैरह बता देते हैं। ये होम स्क्रीन रहने वाला है इसका, ठीक है। होम स्क्रीन पे आपको सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। कुछ अलग से आप डाउनलोड करना चाहें तो एप्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल टीवी आपको इसके अंदर मिलने वाला है, प्लस आपको इसके अंदर मिलता है होम डैशबोर्ड। ओके। होम डैशबोर्ड का बेनिफिट सर ये होता है कि आपके घर में इस ब्रांड का, जिस ब्रांड का वेबओएस टीवी है, इस ब्रांड का कोई और भी प्रोडक्ट हो तो वो आप इस टीवी के साथ अटैच करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी से ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जितने भी IoT डिवाइसेस आपके घर पे होंगे जो कि ThinQ AI बेस, यहाँ पर आप देख वो सकते सारे के सारे आप इस एप्लीकेशन से कनेक्ट करके टीवी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। क्या बात। प्लस बताना चाहूंगा इसमें आपको मिलेगा एप्पल एयरप्ले।
आपने बहुत सारे टीवी देखे होंगे सर, उसमें एप्पल के मोबाइल से आप कास्टिंग नहीं कर पाते, बट इस टीवी में ऐसा नहीं होगा, इसमें आप एप्पल के मोबाइल से कास्टिंग भी कर सकते हो, आईपैड से भी कास्टिंग कर सकते हो, प्लस जो मैक सपोर्टेड आपके 4K लैपटॉप्स होते हैं उनसे भी वायरलेसली आप आराम से जो है कास्टिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है, बहुत ही एडवांस फीचर आपको इसके अंदर ये मिल जाता है। बिल्कुल सर, 3 HDMI के साथ ये पीस रहने वाला है, ठीक है। और बताना चाहूंगा कि सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इस ब्रांड में जाके आप साइन इन भी कर सकते हैं, जिससे कि इस ब्रांड की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, एजुकेशन की, लाइफस्टाइल की, गेम्स की, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एनी सब्सक्रिप्शन आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। क्या बात भाई, ये देखिए सर, प्लस पॉइंट आपको यहां पर ब्रांड, इस ब्रांड में आप साइन इन कर सकते हैं, ये देख सकते हो, यहाँ जाके इजिली आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात कर लेते हैं सर इसकी सेटिंग्स की। ओके, देखिए आजकल आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, आप OTT प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उस पे आपको पिक्चर सेटिंग और मोड सेटिंग सिलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, बिल्कुल। पर इसमें आपको पिक्चर सेटिंग और मोड सेटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सेम OLED वाले फंक्शन दे रखे हैं, साउंड आउटपुट आपको इसमें सारे मिल जाते हैं। ओके, इसमें आपको HDMI ARC मिल जाता है, ऑप्टिकल आउट मिल जाता है, 2-way ब्लूटूथ मिल जाता है, मतलब A to Z सारे आपको साउंड आउटपुट मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने साउंड बार, होम थिएटर, जो ब्रांडेड जो डिजिटल हैवी वाले साउंड बार होते हैं वो भी आप सारे के सारे इससे अटैच कर सकते हैं। क्या बात है, गेम ऑप्टिमाइजर दे रखा है सर इसमें, ALLM, MEMC दोनों चीजें आपको मिलती है, यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड और मोशन एस्टिमेशन, मोशन कंपनसेशन, दोनों चीजें मिलती है। जो गेमिंग करते हैं लोग वो जानते हैं कि गेमिंग के लिए ये दोनों चीजें कितनी जरूरी है, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर ग्राफिक्स और प्रॉपर फ्रेमिंग मिलती है। ओके, तो ये दोनों चीजें भी आपको इसमें मिलने वाली, जिससे एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन का पूरा पूरा आप आनंद ले सकते हैं। डुअल बैंड कनेक्टिविटी मिलने वाली है, यानी कि 2.4 GHz और 5 GHz दोनों ही नेट कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है। बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं आप, दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं, ये 5G नेट रहने वाला है और ये 2.4G, यानी कि डुअल बैंड रहेगा, दोनों कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। और सबसे जो जरूरी फंक्शन है सर इसका, वो है आपको टाइम टू टाइम इस टीवी में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। अच्छा, देखिए आप कोई भी टीवी लेके जाते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए गूगल टीवी ले गए या एंड्रॉइड टीवी ले गए और उसमें आपको एंड्रॉइड 11 मिला, तो वो 11 ही रह जाएगा, आपका एंड्रॉइड आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट इस टीवी में आपको ये बेनिफिट है, जब भी पीछे से सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, आप इस ये ब्रांड जब भी पीछे से सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, आपको आपके टीवी का अपडेट आएगा। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट हैज बीन इंस्टॉल्ड, अभी अभी इसमें नया जो सॉफ्टवेयर आया है वो डाला है, ठीक है, यानी कि 5-7 साल बाद भी आपका टीवी उस टाइम के एप्लीकेशन के हिसाब से अपडेटेड रहेगा, आपको सॉफ्टवेयर का टाइम टू टाइम अपडेट आता रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशंस का तो आएगा ही आएगा, पूरे टीवी का भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि बेसिकली फोन का अपडेट रहता है उसके ऊपर, बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। बात कर लेते हैं सर रिमोट की, मैजिक रिमोट आपको इसके साथ मिलने वाला है, हल्का सा शेक करते ही आपको कर्सर स्क्रीन पे मिल जाएगा, देख सकते हो आप, क्योंकि आप इजीली कर्सर से कुछ भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आप इसमें जो है स्क्रोलिंग व्हील दे रखा है, स्क्रोलिंग व्हील से भी आप चला सकते हैं, ठीक है, कोई भी बटन दबाएंगे कर्सर आपका गायब हो जाएगा। अच्छा, वॉइस असिस्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर दे रखा है, प्लस आप अपने टीवी को सेटअप बॉक्स से भी पेयर कर सकते हैं। ओके, यू कैन कंट्रोल योर सेटअप बॉक्स विद मैजिक रिमोट, यानी कि इसी मैजिक रिमोट से आप अपने सेटअप बॉक्स या और भी बहुत सारे डिवाइसेज ऐसे होते हैं जो टीवी से कनेक्ट होते हैं, वो इसी से ही आप पेयर करके एक ही रिमोट से सारी चीजें ऑपरेट कर सकते हैं। क्या बात है, इसीलिए इसको मैजिक रिमोट सर बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर सर वेबओएस में आपको मिल जाते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं सर, हमारे पास आपको वेबओएस में 32 इंच से लेके और 86 इंच तक जो ये साइज रखा हुआ है, सारे साइजेस मिल जाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं 4K आपको हमारे पास 43 इंच से स्टार्ट हो जाता है वेबओएस में। ओके, प्राइस रहेगा 43 इंच का ₹17,000। उसके बाद अगर आप 50 इंच लेते हैं वेबओएस में तो प्राइस रहेगा ₹24,500। उसके बाद बात कर रहे हैं हम 55 इंच की तो प्राइस रहेगा ₹28,000। ओके, उसके बाद हमारे पास सर 58 इंच भी साइज है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस रहेगा ₹29,000। और 65 इंच के लिए जाते हैं तो प्राइस रहेगा ₹39,000, यानी कि ₹39,000। इसके बाद आता है सर 70 इंच का साइज, उसका प्राइस रहेगा ₹51,000। उसके बाद आता है 75 इंच, इसका प्राइस रहेगा 61,000 जी सर। ओके, और सबसे बड़ा जो हमारा मैसिव साइज है इस पे अगर आप आते हैं तो इसका प्राइस रहेगा 95,000। वैसे बताना चाहता हूँ इन सभी वेरिएंट्स में हमारे पास स्टार्टिंग रेंज में, अगर आप इकोनॉमिकल रेंज में आते तो और बहुत सारे वेरिएंट है जिसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर हम अपने गूगल टीवी की, ठीक है। गूगल टीवी पर जब देखिए, गूगल टीवी में भी लगभग आपको सारे फीचर्स वेबओएस वाले ही मिल जाते हैं। जेन्युइन 4K आपको रेजोल्यूशन मिलती है, सिंगल रिमोट में ही वॉइस सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, और आपको सारे लगभग आप कह सकते हैं कि इसमें एंड्रॉइड टीवी के फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं। डुअल बैंड कनेक्टिविटी मिल जाती है,
और बताना चाहूंगा गूगल टीवी में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर ही मिलता है कि आप इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। बट देखिए सर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चलाने से सभी जानते हैं कि टीवी लैग होने लगता है, हैंग भी हो जाता है, आप ब्रांडेड में भी चलाएंगे तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम वैसे रिकमेंड करते हैं कि आप उसमें ना चलाएं। ठीक है, बट अगर फिर भी कोई चलाना चाहता है तो चला सकता है, इसमें आप कर सकते हैं। बाकी डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आप अपना आईडी डाल के टीवी को अपने गूगल आईडी के साथ पेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको 75 एप्लीकेशन प्रीलोड मिलेंगे। देखिए यहां से आप गूगल टीवी सेटअप कर सकते हैं अपना। ठीक है, सेटअप कर सकते हैं। 75 एप्लीकेशंस आपको इसमें प्रीलोड मिलती हैं। ठीक है, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। 2GB रैम और 16GB मेमोरी के साथ ये टीवी रहने वाला है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो सेम जो हमने आपको प्राइस बताए हैं वेबओएस के, सेम प्राइस रहने वाले हैं गूगल टीवी के हर साइज में। बिल्कुल सर, ठीक है। अगर आप 15 इंच लेते हैं 15 इंच में आपको बढ़ जाएगा 24,500, और 55 लेते हैं 28,000, 65 लेते हैं 39,000, बाकी 43 इंच में हमारे पास फुल एचडी में इसका वेरिएंट अवेलेबल है, उसका प्राइस रहेगा 14,500। 14,500 जी सर। और अगर 32 इंच लेते हैं वो भी फुल एचडी में मिलेगा, उसका प्राइस रहेगा 9,000। क्या बात है। तो ये सारे वेरिएंट्स के प्राइस थे। बाकी इसके विषय में आप कोई भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ हाई लिखिए, जो उनसे साइज में इंटरेस्टेड है वो साइज लिखिए, उस साइज की पूरी डिटेल आपको जो है व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। ठीक है, और एक बार चलते चलते दुकान का नाम और एड्रेस दोबारा बताएंगे आपको। दुकान का नाम रहने वाला है सर मर्फी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, जो कि लोकेटेड है चांदनी चौक दिल्ली में, लाल किले के बिल्कुल सामने। शॉप नंबर रहेगा 692 और लाजपत राय मार्केट। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, कोई भी क्वेरी है तो कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेकआउट कर लेना, प्रॉपर एड्रेस वगैरह आपको वहां पर मिल जाएगा। मैं मिलता हूं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ।